हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज आ चुके हैं हम लोग आज फिर से आर एस मोटर्स पर। देख सकते हैं आप लोग नई बाइक्स का भाई लगा हुआ है शोडाउन, क्योंकि अभी भाई नई बाइक्स काफ़ी आई हुई हैं। और नई बाइक्स से भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं कि ये चीज़ भाई आ चुकी है हम लोग के शोरूम में, जिसको भाई मतलब मैं बता नहीं सकता भाई, मिक्स रिएक्शन है काफ़ी मेरा तो पर्सनली कि भाई इसको भाई पॉजिटिव कहें या नेगेटिव कहें कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन भाई जो भी है आपके सामने खड़ी हुई है। सो मुझे लग रहा है भाई यामाहा वालों ने पिछले साल 2023 में बारबी देख ली थी, तो ओपनहाइमर और बारबी तो पिछले साल भाई चला था 2023 में, लेकिन 2024 में भाई कहने लगे कि हम भाई बम तो नहीं फोड़ पा रहे हैं, लेकिन अभी जो है बारबी ले आ रहे हैं। सो ये भाई बारबी आ चुकी है अपने शोरूम पर, आप लोग देख सकते हैं। सो मतलब भाई क्या ही है, कुछ मतलब वर्ड भाई निकल नहीं रहे हैं। टायर भाई देख सकते हैं आप लोग, रिम इसके एकदम पिंक पिंक कर दिए हैं, और ये सब भाई ग्राफिक हैं सब, भी मैं आप लोगों को ठीक से दिखाता हूँ, लेकिन एक बार देखिए इसको, ये चीज़ भाई क्या है ये मुझे कमेंट करके बताइए, समझ नहीं आ रही है। सो मजाक भाई रखते हैं साइड में, भाई काफ़ी अच्छा कलर है, तो देख सकते हैं आप लोग पहले टायर पर आ जाते हैं। पिंक कलर का भाई पूरा रिम दे दिया है भाई, विच इज़ फैंटास्टिक, सही बात भाई, यामाहा हैज़ डन अ ग्रेट जॉब कि भाई इतना भाई मतलब फ्लैशी कलर और इस टाइप का भाई, मतलब आजकल मार्केट में जो है लोग छपरी और ये वो बोल रहे हैं, उस टाइम पर भाई ये लोग इस टाइप का कलर लाएँ तो भाई या तो इनके बहुत जिगरा है या तो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेटर्जिक हैं लोग। सो आगे देख सकते हैं आप लोग 100 सेक्शन का टायर मिल जाता है आपको, विद डिस्क एंड ABS अदर बाइब्री के कैलिपर्स मिलते हैं आपको। उसके बाद भाई साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो ये देखिए इतना भाई ज़बरदस्त बना दिया है, R1 पूरा मतलब पिंक में और 5 भाई ब्लू में, तो 3D टाइप का है, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ है, समझ आ रहा होगा आप लोगों को, बाकी बाइकों से भाई काफ़ी अलग है। और यहाँ पर भाई वर्जन 4 लिखा हुआ है साफ साफ, सो दिस इज़ वर्जन 4, बट इसमें एक ट्विस्ट है वो भी मैं आप लोग को बताऊँगा आगे। तो उसके बाद आ जाते हैं भाई इसके इंजन पर, तो आपको भाई वही इंजन मिलता है जो वर्जन 4 और M में आपको मिल रहा है, 155 cc लिक्विड कूल सिंगल स्ट्रोक, 18.4 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है विथ 14.2 NM ऑफ टॉर्क। सो ये पावर फिगर्स हैं गाइस, गरम नहीं होंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और ये एग्जॉस्ट भाई है देख सकते हैं आप लोग सिल्वर कलर का, और बाकी ये थोड़ा सा मतलब कार्बन में नहीं, नॉर्मली ये ब्लैक। सर भाई पीछे का भी टायर आपको इसी टाइप का मिलता है पिंक में, सो भाई काफ़ी हाईलाइट है जो पिंक कलर आया है मार्केट में भाई, अब कैसा चलेगा ये तो भाई आगे आने वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन मुझे तो पर्सनली भाई काफ़ी सही लग रहा है। और ये ABS की भाई रिंग दी हुई है, ये डिस्क पीछे दी हुई है, और 140 सेक्शन का भाई पीछे का टायर मिल जाता है आपको, तो काफ़ी ब्रॉड है तो कोई दिक्कत आने नहीं वाली इसमें। बाकी की भाई इधर भी देखिए पिंक पिंक भर दिया है भाई पूरी गाड़ी में, अगर यहाँ आप लोग ठीक से देखिए तो भाई सिल्वर सिल्वर जो है थोड़ा पर्ल टाइप का है, मतलब एकदम फ्लैट सिल्वर नहीं है, चमकीला चमकीला सा है। और यहाँ पर पिंक स्ट्रैप दी हुई है, VVA वेरवेल वेल्व एक्चुएशन की बैजिंग दी हुई है इसके साथ में, सो भाई एकदम तड़क भड़क माल बना दिया इस बार यामाहा ने, मज़ा आ रहा है देख के। और ये भी भाई थोड़ा सा मतलब शाइनी है, उतना ज़्यादा नहीं है जितना ये वाला पीस है आपका, ये ज़्यादा शाइनी है आप लोग ठीक से देख सकते हैं, ये थोड़ा कम शाइनी है लेकिन सही है भाई, सिल्वर कलर है बहुत ज़बरदस्त। और उसके बाद भाई यहाँ पर R15 आप लोग देख सकते हैं, यहाँ बैजिंग दी हुई है पिंक कलर का, यहाँ भी बना दिया गया है स्ट्रिप, और ये भी भाई चमकीला सा है देख सकते हैं आप लोग, जहाँ तक भाई डिटेल जो है अंदर तक भाई चमकीला भरा हुआ है R15 जो लिखा हुआ है, तो इस टाइप से है भैया। बाकी भाई इधर देख सकते हैं आप लोग ये चीज़ भाई यामाहा ने कर दी बहुत सही, मैं पिछली वीडियोस में आपको बता नहीं पाया था कि यहाँ पर पहले भाई सब कुछ ये वाले स्विच ऑफ रीस्टार्ट और पावर का बटन यहीं पर दिया हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर साइड में कर दिया और काफ़ी बड़ा कर दिया, तो भाई विजिबल है काफ़ी ज़्यादा, तो अच्छे से भाई दिख जाएगा आप लोगों को। और बार बार जैसे बाइकों में प्रॉब्लम आती है दबाने से भाई स्टार्ट करने से ये घिस जाते हैं, तो अब ये नहीं घिसेंगे क्योंकि अलग से दे दिए गए हैं इस पर, क्योंकि हाथ जल्दी पड़ेगा नहीं आपका। उसके बाद यहाँ पर भाई भैया यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है हज़ार्ड का बटन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं टर्न ऑन ऑफ के लिए। उसके बाद भाई नीचे दो बटन दिए हुए हैं,
ट्रिप और इन्फो का। इसका भाई फीचर अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे काम करते हैं। बाकी भाई इधर वाइट कलर के जो हैं ये दिए हुए हैं, वाइट नहीं है एक्चुअली भाई, सिल्वर हैं, फ़ोन में दिख रहा है वाइट, लाइट ज़्यादा है यहाँ पर इसकी। और अब आ जाते हैं भाई इसके मीटर कंसोल की तरफ, तो उससे पहले भाई चाबी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को अपनी। भाई वही टिपिकल यामाहा स्टाइल की चाबी मिलती है, इसको भी कुछ भाई गुलाबी गुलाबी करते तो बढ़िया लगता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। बाकी भाई इस टाइप का मीटर कंसोल आप लोगों को मिल जाता है, देख सकते हैं आप लोग। सो यहाँ पर भाई दो बटन मिलते हैं आप लोगों को, ट्रिप इन्फो जो मैं बता रहा था उनसे भाई ये चेंज होता है। ट्रिप दबाएंगे तो भाई इधर देखिए ओडोमीटर आ गया आपका, ट्रिप मीटर आ गया, ट्रिप टू आ गया, ट्रिप एफ आ गया क्योंकि भाई तेल कम है। और इसके नीचे भाई ये सब ट्रैक्शन कंट्रोल आप इसमें बंद कर सकते हैं। बैटरी वोल्टेज दिखाती है, 21 डिग्री सेल्सियस भाई टेम्परेचर जो है बाइक के इंजन का। ट्रैक मोड मिलता है आपको, स्ट्रीट मोड मिलता है, स्ट्रीट मोड में भाई लगी हुई है, एक बार दिखा देता हूँ मैं। देखिए ट्रैक मोड में लग गई 6000 RPM से सीधे उठती है ये भाई। उसके बाद भाई ये, और एक बार भाई लुक दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। सो भाई इस टाइप का पूरा लुक आ रहा है, बहुत शानदार, देख सकते हैं आप लोग इस टाइप का भाई लुक है पूरा भाई, यामाहा बारबी गर्ल वाली फील है। सो यहाँ पर भाई R15 लिखा हुआ है, यहाँ भाई शुरू में ब्लू कर दिए, पीछे पिंक कर दिए, भी 3D टाइप में तो भाई काफ़ी प्यारा लग रहा है देखने में। उसके बाद भाई आपको ये मडगार्ड पूरा मतलब चमकीला चमकीला सा मिलता है ब्लैक कलर का, और इसमें भी छोटे 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 सिल्वर सिल्वर से मतलब हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डॉट टाइप के। ये भी भाई चमकीला है, यामाहा लिखा हुआ, ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा। तो इस टाइप का है भैया पूरा सिस्टम इस गाड़ी का। उसके बाद भाई R15 इधर ऐसे लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं भाई, पीछे का एक बार टेल सेक्शन दिखा देते हैं इस टाइप का भाई है। और टैंक भाई काफ़ी सही है भाई, सही है 11 लीटर का, जैसा भाई बाकी गाड़ियों में मिलता है आपको। एक बार एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं इस गाड़ी की आपको, ताकि भाई मज़ा आए। इस टाइप का भाई है पूरा इस गाड़ी का ओवर लुक और साउंड फीचर्स। और एक फीचर जो मैंने कहा था आप लोगों को आखिरी में बताऊंगा, शुरू में नहीं बताया था, वो है भैया ये, जब मैं पहली बार घुसा तभी मेरी नज़र पड़ गई थी कि भैया ट्रैक्शन कंट्रोल तो आपको इस गाड़ी में मिलता ही मिलता है, उसके साथ भाई क्विक शिफ्टर भी दे दिया है। तो बाकी भाई किसी वर्जन 4 में जल्दी नहीं आता है, ब्लू वाली में आता है, उसके बाद इसमें भाई आया है आपका क्विक शिफ्टर। और ट्रैक्शन कंट्रोल तो भाई आपको मिलता ही है इसमें, क्योंकि हर वर्जन 4M में मिल रहा है, वो भाई ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी नहीं है लेकिन भाई जो नए राइडर्स हैं उनके लिए भाई ज़रूरी है। देख सकते हैं आप लोग TCS ऑन ऑफ, तो इससे भाई आपकी गाड़ी फिसले फिसलेगी नहीं, अगर कहीं मड स्लैश में आप चले जाते हैं तो बार बार इंजन पावर कट नहीं करेगा। सो यही सब था भाई आज की इस वीडियो में गाड़ी के बारे में। आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं आप लोगों को भाई कैसी लगी ये अपनी नई वाली बारबी। पीछे ओपन हैमर भी खड़ी हुई है, तो उसको हम लोग आपको बाद में दिखाएंगे, वो देखिए वो भाई बॉम है, और इधर भाई बारबी खड़ी है। सो मिलूंगा भाई आप लोगों किसी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टाटा, सी या, गुड बाय।